हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र गर्ग आज आपके सामने लाया हूँ CO2 लेजर मशीन, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज में। सबसे छोटी A3, उससे बड़ी, उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी, और इसके बाद हम लेकर आए हैं सुपर बिग मशीन। जो छोटी मशीनों में काम नहीं होता वो अब होगा सुपर बिग मशीन में। बड़ी मशीनें 3x4 की, 4x4 की, और इसके बाद एक और 4x4 की डबल हेड में। तो सभी मशीनों के बारे में हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, बड़ी मशीनों के बारे में भी दिखाएंगे, डबल हेड मशीन भी हमारे पास अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र गर्ग फ्रॉम बेस्ट सर्विसेज। आज बेस्ट सर्विसेज आपके सामने लेकर आया है बड़ी मशीनें। जो CO2 मशीन छोटी मशीनों में काम नहीं हो पाता था, अब इसमें 8x4 यानी कि 8x4 फुट की भी शीट लगा सकते हैं। 4x4 की ये मशीन है, और आप यहां देखेंगे डबल हेड भी लगा हुआ है, डबल हेड मशीन। और उसके बाद अगर हम अगली मशीन की बात करें, ये भी 4x4 की मशीन है, सिंगल हेड मशीन। इसमें आप देखेंगे सिंगल हेड लगा हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप थोड़ी छोटी मशीन लेना चाहते हैं, 4x3 फुट की मशीन हम आपके लिए लेकर आए हैं, और इसमें भी सिंगल हेड लगा हुआ है। ये सारी मशीनें अवेलेबल है, और छोटी मशीनों के बारे में तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मैं फिर भी आपको छोटी मशीनों को दिखा देता हूं कि बेस्ट सर्विस के कौन कौन सी अवेलेबल है। ये आप देखेंगे, ये वाली मशीन है BST210B, A4 साइज की इसको मशीन कहते हैं। उसके बाद एक और आ जाती है 11x22 की, 11x22 की मशीन हो जाती है। उसके बाद बात करें लगभग A3 साइज की मशीन हो जाती है, और ये उससे भी बड़ी मशीन BST510B प्रो। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन मशीनों के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और CO2 मशीन क्या काम करती है, क्या क्या इनसे बन सकता है, और क्या क्या साइज में, क्या क्या प्राइस होने वाला है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाया हूँ बड़ी मशीनें। जी हाँ दोस्तों, 4x4 और 4x3 की मशीनें मैं लेकर आया हूँ। 4x4 फुट और 4x3 में क्या फ़र्क होता है? जैसे आपने देखा होगा, जो होम डेकोरेशन में या कई जगह यूज़ होती हैं बड़ी बड़ी शीटें, पूरी जो 8x4 की शीट होती है उसको वन टाइम में आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम 4x3 में करेंगे तो उसको तीन टाइम में करना पड़ेगा। अगर 4x4 में करेंगे तो 4 फुट का एक बारी में, और 4 फुट का एक बारी दो बारी में करना पड़ेगा। या उससे बड़ी मशीन आती है 4x8 की, कि पूरी 8 फुट का बेड है, उसमें आप काम करेंगे तो सिर्फ एक ही बार में काम हो जाएगा। लेकिन जनरली मार्केट में 8x4 की लोग मशीनें पसंद नहीं करते, जनरली 4x4 या 4x3 पसंद करते हैं। उसके बाद बात आती है सिंगल हेड, डबल हेड, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है फर्क उसमें। यहाँ पे आप देखेंगे इस मशीन में दो हेड लगे हुए हैं, एक ये हेड लगा हुआ है और एक ये हेड लगा हुआ है। इसी तरीके से पीछे भी जो है वो आपकी दो ट्यूब लगी हुई हैं। ये डबल हेड का काम क्या होता है? डबल हेड का काम होता है, जो उनको बल्क में काम करना है, बहुत सारा काम करना है, तो वो डबल काम करेगी ये मशीन। जो आपकी सिंगल हेड में सिंगल काम करेगी, और ये आधे टाइम में काम करेगी, आपका टाइम बचेगा और आप एक मशीन से डबल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये काम आती है डबल हेड मशीन। अगर आपका यूजेज कम है, आपका बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं है, तो आप ये वाली कमर्शियल मशीन ले सकते हैं, इसमें सिंगल हेड मशीन है। और हमारी मशीनों में आप देखेंगे इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, जो अपनी हाइट अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है। और अगर हम इस मशीन की बात करें, इसका साइज है 4x4 फुट का, और ये भी आपको मिल जाएगी। अगर हम इसकी बात करें, ये मशीन है 4x4 फुट की सिंगल हेड में, वो जो मैंने आपको पीछे दिखाई वो थी 4x4 फुट की डबल हेड में। और इसके बाद हमारे पास एक और नई मशीन आई है, ये है 4x3 साइज में। ये कॉमन साइज होता है 4x3। अगर इसमें जिन लोगों को 4x8 की पूरी शीट को पे काम नहीं करना, तो उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। और इसमें चाहे आप आगे से शीट डालें, चाहे पीछे से डालें, ये आर पार है, इसमें आप बड़ी से बड़ी शीट इसमें आप डाल के काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी 9 फुट की है शीट या 10 फुट की है, अगर आपको एक सिंगल डिजाइन बनाना है, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। अब ये तो बात हो गई मशीनों की। इसके बाद जो भाई लोग इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, वो छोटी मशीन जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है और थोड़ी छोटी मशीन। यहाँ पे है BST510B प्रो। सो फ्रेंड्स, वो बात हुई बड़ी मशीनों की। अगर बात करें छोटी मशीनों में, तो ये टेबल टॉप मशीन आती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 4 मॉडल्स आपके लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 मॉडल आते हैं। जो सबसे पहले आप देख रहे हैं वो सबसे छोटा और सबसे सस्ता मॉडल है। ये इसका साइज है लगभग A4 साइज में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, जो मोबाइल भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। ये वाला जो साइज आ जाता है, ये आता है 11x22 का। इसमें आप मान के चलिए, जो लोग नंबर प्लेट्स वगैरह बनाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, साइज बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, लंबाई वही रहती है। और इसमें देखें तो ये चौड़ाई और ज्यादा बढ़ जाती है, लगभग इसमें साइज हो जाता है 14x22 का। और उसके बाद एक और इससे बड़ी मशीन आ जाती है, ये इसका साइज हो जाता है आपका 20x22 का। और इसके बाद भी एक और मशीन आती है, वो अभी हमारे यहाँ पे लगी नहीं हुई है, तो
उसका साइज हो जाता है लगभग 2x2 फुट का, उससे थोड़ा सा कम आप मान सकते हैं। तो ये सभी टाइप की मशीनें हैं, इनमें फर्क क्या है? जो हमने अभी आपको दिखाई है, जो पीछे जो हमने आपको मशीनें दिखाई थी, वो है आपकी 130 वॉट की। जी हाँ दोस्तों, 130 वॉट और मैक्सिमम पावर 150 वॉट। इसी को लोग 150 वॉट कह के भी सेल आउट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर 150 वॉट है, नॉर्मल पावर 130 वॉट है। तो अगर आप इनमें से कोई मशीनें लेना चाहें तो ये भी आपको मिल जाएंगी, और अगर आप छोटी लेना चाहें छोटी भी आपको मिल जाएंगी। अगर हम इन मशीनों की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी में हमने ये मशीनें बनाई हैं। किसी भी चीज़ से हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अब हमारी मशीनों में और मार्केट की मशीनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये 4x3 की मशीन है, तो नॉर्मली क्या होता है, जनरली लोग लाते हैं, बेड ऊपर नीचे नहीं हो सकता, तो हमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम ज़्यादा मोटी चीज़ नहीं काट पाते। इसमें जो है ये ऑटो एडजस्टेबल बेड है, मैनुअल नहीं है, ऑटो एडजस्टेबल है। यहाँ पे बटन दे रखे हैं बेड को अप डाउन करने के, तो यहाँ से आप बेड अप डाउन कर सकते हैं, बेड डाउन, बेड अप, इस तरीके से आप बेड अप या डाउन इसमें खुद ही कर सकते हैं, मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है। दूसरा हमारा जो फीचर है बेड अप डाउन के अलावा, ये सेंसर का दे रखा है, जिसमें कितनी मोटाई की शीट आप लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंस करके उसी हिसाब से आपकी एडजस्ट हो जाएगी, आपको बार बार हाइट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो क्वालिटी की बात की जाए, इसकी बॉडी की बात की जाए, रिले की बात की जाए, या सिस्टम की बात की जाए, या इसकी पावर सप्लाईज की बात की जाए, सभी की सभी चीज़ें इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी की हमने यूज़ की हैं। और साथ में दोस्तों, इन मशीनों के साथ आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी और कंप्लीट ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डिज़ाइन नहीं बना पा रहे या आपको पता नहीं कि किस तरीके से मैं मशीन को यूज करूं, कैसे काम करूं, तो आप हमारे आइए, प्रॉपर 2 दिन की ट्रेनिंग भी हम आपको इसमें देते हैं और ऑन साइट ट्रेनिंग भी देते हैं। ऑन साइट अगर आप देश के किसी भी कोने में हैं, वहां पे आपको मशीन डिलीवर हो जाएगी, वहीं पे हमारा लड़का आके आपको इंस्टॉल करके जाएगा और वहीं पे पूरी ट्रेनिंग देकर जाएगा। तो अब हम जानते हैं इन मशीनों से क्या क्या काम किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्रेलिक में एक पार्टीशन बनाया हुआ है, MDF में ही बनता है, ये साइज छोटा लगा रखा है एज अ सैंपल। ये पूरे का पूरा 8x4 की अगर आप शीट बनाना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं इन मशीनों में, बड़ी वाली में। छोटी वाली जितना बेड साइज है लगभग, आप उतना ही बड़ा एक्रेलिक या MDF यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें ग्लास, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक गुलाब का फूल आपको नजर आ रहा होगा और उधर एक बेस्ट सर्विसेज भी ग्लास पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इन्हीं मशीनों द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से आप ये इचिंग भी आप कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन आप इन पे बना सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी फोटो एंग्रेव करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं ग्लास पे। उसके बाद ग्लास के नीचे अगर हम बात करें, मार्बल लगा हुआ है, मार्बल में साईं बाबा की आपको फोटो नजर आ रही है, मार्बल पे काम किया हुआ है। उसके बाद आगे टाइल्स है, टाइल्स पे भी एंग्रेविंग आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे पर्स, ये पर्स लगे हुए हैं, पर्स बने हुए हैं, तो ये पर्स भी इसमें बना सकते हैं। ऊपर आप इस पे लोगो देखेंगे, कितना बड़ा लोगो हमने बेस्ट सर्विस का बनाया हुआ, वो भी इन्हीं मशीनों से है। ये देखिए कितने प्यारे और कितने सुंदर बॉक्सेस है, ये भी बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें फोटो फ्रेम वगैरह भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये सारा काम हम इन मशीनों के द्वारा कर सकते हैं। अब एक और मशीन CO2 के साथ, फाइबर लेजर मशीन। ये क्या क्या काम करती है उसका ही मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ कि ये क्या क्या काम करती है, इससे क्या क्या काम किए जा सकते हैं, क्या क्या बनाया जा सकता है, और CO2 से क्या क्या किया जा सकता है। इसमें भी अलग अलग मॉडल आते हैं, एक UV भी आती है, एक नॉर्मल भी आती है, ये फाइबर लेजर मशीन इसको कहा जाता है, CO2 फाइबर मशीन भी आती है। तो अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप की फाइबर मशीन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके प्राइजेस की। जी हाँ दोस्तों, अब आपके दिमाग में आएगा प्राइजेस। जो प्राइजेस स्टार्ट हैं वो आप मान के चलिए, जो हमारी सबसे सस्ती मशीन है वो 45,000 से स्टार्ट है। जी हाँ दोस्तों, 45,000 रुपये में आप काम शुरू कर सकते हैं, उसका बस बेड साइड छोटा होता है। 45,000 रुपये से आप काम स्टार्ट करके अपने काम के हिसाब से ये मशीनें ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये काम करना चाहते हैं या आपको ऑलरेडी इस बारे में जानकारी है, तो नीचे आप देखेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये भी सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। क्योंकि अभी एक और मैं आपको चीज़ कहना चाहूँगा, बेस्ट सर्विसेज ने अभी जस्ट ये लॉन्च की हैं बड़ी मशीनें 4x3 और 4x4, तो इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। जो प्राइसेस की हमारी गारंटी है, जो प्राइस और जो क्वालिटी हम देंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।